नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नक्षत्र में हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में प्रगति और उन्नति लाएंगे। उन्हीं उपायों को सही विधि विधान से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। नमस्ते अस्तुते महामाये श्री पीठे सुर पूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते करुणा रूढ़े कोला सुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। महालक्ष्मी की जब कृपा होती है तो आपकी दशा दिशा और यहाँ तक भी आपके जीवन में जो सिस्टम है, यानी रहने का सिस्टम जिसको वास्तु बोलते हैं, धन संपदा के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके ऊपर भी कृपा होती है। नया घर बना रहे हो तो डिज़ाइन अच्छी चुनना चाहिए। आपको सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य का ध्यान रखे। सर्कुलर सीढ़ियों का लोग उपयोग करते हैं, ये नकारात्मक होता है। और इसी के साथ ही खाने की मेज का अगर ध्यान दें, छोटी छोटी टिप्स हैं, तो वो चौकोर होनी चाहिए, गोल से थोड़ी डिस्टेंस बन सकता है घर में लोगों के। दर्पण का अपना अलग विशेष महत्व है। घर में यदि बीम हो तो उसके नीचे स्टडी टेबल रख के बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें। शौचालय नकारात्मक होता है, टॉयलेट सीट का ढक्कन भी हमेशा से ढका रहना चाहिए और शौचालय का दरवाज़ा बंद रहना चाहिए। करियर में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करने के लिए उत्तर दिशा का बड़ा महत्व होता है। पुराने सामान इत्यादि को जो भी अगर आपके पास है, कांच की बोतल, टूटा हुआ सामान, रुकी हुई घड़ी या इलेक्ट्रिक इत्यादि का बेकार से कबाड़ इत्यादि जंक लगा सामान, ये सब बिल्कुल बाहर कर दें तो वास्तु शांति काफ़ी अच्छी आपको महसूस होगी। सुख शांति समृद्धि और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वास्तु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो छोटी छोटी टिप्स कुछ आपने देखी, अमल करके देखिए, लाभ होगा। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है वो खास उपाय जो आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, अभी आपको थोड़ा सा धन के संबंध में और प्रतिष्ठा के संबंध में रुक के चलना है, सोच समझ के चलना है। योजनाओं को आप क्रियान्वित कर सकते हैं, इसको करने की भी आपको ज़रूरत है। परिवार में आपके कई महत्वपूर्ण फैसले लेने से एक प्रसन्नता लोगों को मिलेगी, चतुर्दिक प्रगति आओगी और आपका भी उसमें योगदान रहेगा। आपको आज ज़रूर श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, सफ़ेद रंग की कोई वस्तु देनी चाहिए, छोटे बच्चों को गुलाबी और छह कांक शुभ है। वृषभ राशि, बहुत ही अच्छा समय, लगातार बहुत अच्छा प्रभाव, आपके योग कारक बहुत बलवान हैं शनिदेव, परिवार में शुभ कार्य और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी माली हालत भी दिन दुनी रात चौगुनी अच्छी होती हुई देखी जा रही, नए कार्य करने के आपको नए अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। मछलियों को दाना खिलाना आपके लिए अच्छा है और 19 का और लाल रंग शुभ है आपके लिए। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आत्मबल आपका बढ़ेगा, सारे कार्य आपके संपन्न होंगे, महत्वा कार्य पूर्ण करिए और महत्वाकांक्षाएं भी आपकी पूर्ण होंगी, आर्थिक लाभ होगा और पढ़ाई लिखाई से संबंधित यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा योगदान मिलेगा, नया कार्य कर सकते हैं आप। दूसरों की बातों में बिल्कुल ना आए, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये भी आपको विश्वास होना चाहिए। दो काम नारंगी रंग शुभ। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आज आपको योजनाएं और इसमें आपके योगदान से सफलता आपकी टीम महसूस कर सकती है, या अगर आप घरेलू वातावरण में जी रहे हैं तो हाउस वाइफ हैं या गृहिणी हैं तो भी आपकी आज भूरी भूरी प्रशंसा होगी। गृह निर्माण का आपको योग भी दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, जल, धतूरा इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद रंग 3 का और 7 का शुभ है। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आज आपके लिए नए व्यापार के, व्यवसाय के अवसर, लोगों से विशेष रूप से मीटिंग इत्यादि आपकी हो सकती है। मान सम्मान का योग भी आज आपको अच्छा प्राप्त होता हुआ देखा जा रहा। भूमि भवन से भी आपको लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन की प्राप्ति भी आपको संभव है। तो सिंह राशि वालों, आज आप ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका आप जाप करें। लाल रंग, पीला रंग 1 कांक आपके लिए बहुत ही उत्तम प्रभाव देगा। कन्या राशि वालों की हम बात करें, आपके लिए समय का अच्छा
प्रकाशित आलोकित होने का यह समय आपका चल रहा है। छठे भाव में शनि देव का बकरी गोचर चौतरफा लाभ आय के साधन प्राप्त होते हुए आपको मिल रहे हैं। शत्रुओं का शमन भी होता हुआ दिख रहा है, रुके कार्य भी आपके संपन्न होते हुए देखे जा रहे हैं। कन्या राशि वालों, बुध का प्रभाव आपके संबंधों में मधुरता लाएगा। विहगों को, पक्षियों को, चिड़ियों को जरूर कुछ आप व्यवस्था करें दाने की, पानी की। सी ग्रीन 9 का अंक आपके लिए शुभ है। तुला राशि की बात करें तो मान सम्मान में वृद्धि, प्राप्तियां आपकी बढ़ती हुई देखी जा रही हैं, लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए विशेष श्रम अगर करेंगे अभी तो और उत्तमता का आपको परिचय मिलेगा। यात्रा से लाभ होगा, चाहे लघु हो दीर्घ हो, नए रोजगार से आप जुड़ सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। क्या कर लें, आज अपने भाई बहन इत्यादि को कोई भी एक गिफ्ट दें, वस्त्र अच्छा गिफ्ट हो सकता है। नीला रंग 2 का अंक शुभ। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो आज आपको व्यापारिक लाभ होता हुआ देखा जा रहा है। वृश्चिक राशि वालों, मंगल की राशि, मंगल उद्योग के कारक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा तनाव भी दे सकते हैं, इससे बचने की आपको आज जरूरत है। गुस्से पर नियंत्रण करना आज आपके लिए उत्तमता का परिचय हो सकता है। गौ सेवा, प्रधान सेवा आप करें, जरूर लाभ आपको। 8 का अंक केसरिया रंग शुभ है। छोटे छोटे उपाय, आगे बढ़ते हैं, धनुराशि पे चलते हैं। धनुराशि वालों, आज आपको लोगों से नेटवर्किंग करने का जो आपने बीड़ा उठाया है या जो लोगों से आपका जो सर्किल है वो आपको तरह तरह के लाभ देगा या अच्छी एडवाइस देगा। स्वयं भी मन को ध्यान में लगाइए और लोगों को भी प्रेरित करिए कि वो मानसिक शांति प्राप्त करें। थोड़ा सा बृहस्पति देव के मंदिर में चने की दाल, वस्त्र इत्यादि आप दे सकते हैं। पीला केसरिया 9 और 4 का अंक शुभ है। मकर राशि की बात कर लें तो आज आपको दूरस्थ कुछ अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। स्थिति आपकी थोड़ी सी बिगड़ सकती है, अधिकारियों से संबंध मन मुटाव इत्यादि हो सकता है, लेकिन बेवजह परेशान छोटी छोटी बातों पे आप ना हो ये सलाह दी जाती है। पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, आज आपको अखंड लौ दीपक जरूर जलाना चाहिए घर में। पश्चिम दिशा में काला रंग 1 का अंक शुभ है। मीन राशि की बात कर लें, अपने कर्म क्षेत्र में आप लगे रहें और कर्म क्षेत्र के साथ साथ अगर आप उसमें मेहनत से लगे रहेंगे, कमर कस के लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। मान सम्मान वृद्धि होगी, नया व्यापार करने के भी आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ग्रह निर्माण के योग हैं, अति संतोष की प्रवृत्ति से भी आपका मन प्रसन्न होगा, लेकिन किसी के स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित हो सकते हैं। सूर्य उपासना, आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा है। पीला रंग 3 का अंक आज आपके लिए उत्तम है। तो हमने देखा मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत, लेकिन साथ में क्रम से कुंभ राशि की भी बात है। कुंभ राशि शनिदेव इस समय वक्री इस राशि पे आय के साधन बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। कुंभ राशि वालों, किसी अज्ञात कारण, कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे आप परेशान हो, लेकिन फिर भी आपका भाग्य इस समय प्रबल है और तुला राशि आती है आपके भाग्य की राशि, शुक्र का अच्छा प्रभाव। पौधारोपण जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे प्रकृति का उतना अच्छा आपको आशीर्वाद मिलेगा। सफ़ेद और 9 का और 8 का अंक शुभ है। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज का पंचांग क्या कह रहा है और दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 21 जुलाई 2023 तृतीय तिथि का मान लगा है मघा नक्षत्र और सिंह राशि पे चंद्र का गोचर। शुक्रवार का दिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष, शुभ समय 11:59 से 12:54। हर दिन की तरह स्थिर सिद्ध राहु काल 10:44 से 12:27 सिद्ध है। ने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-403-6524 पर। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।